टेंशन में इसीलिए है कि उसका सच बाहर आ सकता है ना. मैंने उसे देख लिया, अरमान ने भी नहीं देखा, मैंने सबसे पहले देखा है तो मुझे पता चल गया है कि भाई ये. लेकिन घर में पता चल गया, दादी सा को पता चल गया, तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है. तो वो मुझसे वही रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ किसी से कुछ मत कहिएगा. हाई एवरीवन, दिस इज समृद्धि शुक्ला एंड यू वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर. नए एक्टर्स के साथ शूटिंग करने पर समृद्धि का रिएक्शन आया सामने. समृद्धि ने कही बड़ी बात, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला. शो के दो मेन लीड एक्टर्स अब शो को छोड़ चुके हैं. साथ ही रोहित पुरोहित और गर्विता साधवानी ऑलरेडी शो की शूटिंग कर रहे हैं. वैसे तो शो के सभी एक्टर्स पर इस बदलाव का असर पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है समृद्धि शुक्ला पर. हाल ही में दिए इंटरव्यू के दौरान समृद्धि ने बताया कि नए एक्टर्स के साथ उनका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है. गर्विता यानी कि रूही के साथ शूटिंग करने पर समृद्धि ने कहा कि मैं पहले भी उनसे मिल चुकी हूँ, हमारी मुलाकात बातें कुछ अनकही सी और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इंटीग्रेशन एपिसोड के दौरान हुई थी. गर्विता समृद्धि को अच्छी लगी. साथ ही गर्विता की तारीफ करते हुए समृद्धि ने कहा कि वो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है. रोहित पुरोहित यानी कि नए अरमान के बारे में समृद्धि ने कहा कि अब तक हमारी कोई सोलो सीन नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी शूटिंग उनके साथ हुई है इसे ये कहा जा सकता है कि वो एक नाइस पर्सन है. इन सब के अलावा समृद्धि ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं फिर से डे वन पर पहुंच गई हूं, क्योंकि हर शो की कहानी में दो मेन लीड होते हैं और एक मेन एंटागनिस्ट होते हैं, और अब वो दोनों ही नहीं है. हालांकि मैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थी, लेकिन ऑडियंस को हमारा सीन बहुत ज़्यादा पसंद आता था. लास्टली समृद्धि शुक्ला ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि ऑडियंस भी इस बदलाव को एक्सेप्ट करे. आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए. और साथ ही टेलीविज़न से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को.